जरा देखिए, एक क्वेश्चन समझिए जरा, जो अभी हमने जो अंडरस्टैंडिंग ली है उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने उसमें एक चीज बोली थी कि क्वेश्चन बच्चों को अराइज करना चाहिए, ऑब्वियस है कि मैंने क्या बोला कि आपकी जो रेंज है जहां पर आप प्रॉपर देख सकते हो वो 25 से बड़ी होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक होनी चाहिए या इन्फिनिटी के उसके बीच, 25 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट आप रखोगे आपको प्रॉपर विजन रहेगा, बोला ये मैंने। तो क्वेश्चन क्या आ रहा, बच्चा पीछे से खड़ा होकर बोला मैंने सर एक बात पूछ लूं, मैंने पूछ ले सर मुझे ये बताओ आपने ये तो कह दिया सपोज दैट दिस इज योर आई, बोला जी दिस इज योर आई, बोले दिस इज योर आई एंड दिस इज योर लेंस, मान के चलिए कौन है यहीं पर आप एक लेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल आप समझाने के लिए बनाता हूँ, क्लियर है। तो आप जरा देखिए हुआ क्या, उसमें क्या हुआ कि वो कह रहा है कि आपने बोला कि ये 25 सेंटीमीटर तक अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो हम प्रॉपर देख पाते हैं, अगर मैं इसको 25 से पहले ले आऊं ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है, मान के चलिए ये पोजीशन जो है पी मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट का, अगर मैं इस पी को लेस देन 25 कर दूं, क्या कर दूं, लेस देन 25 कर दूं, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियरेस्ट पॉइंट फॉर एनी नॉर्मल आई, ठीक है। तो अगर मैं इससे कम कर देता हूं तो मुझे क्लियर क्यों नहीं दिखता, आंख में स्ट्रेन क्यों आ जाता है, ब्लर क्यों हो जाती है दुनिया सब ब्लर। देखो अब देखो क्या होता है, यहां पर होता कुछ नहीं है भैया, बस इतनी सी बात है कि जो आई है ना जो अकोमोडेशन कर रही थी अब उसके पास इतनी पावर ही नहीं बची कि वो और अकोमोडेट कर पाए, एक सर्टेन लिमिट्स तक ही तो कोई चीज काम करेगी, एक सर्टेन लिमिट्स तक ही तो कोई चीज काम करेगी, समझ में आ रहा है। वो जितना कर सकती थी उसने उतना करा, ऑब्जेक्ट को आप दूर से इन्फिनिटी पर लिया था हमने, फिर हम पास ही तो लेके आ रहे थे ऑब्जेक्ट को, पास लेके आए, तो हमने क्या देखा, जब तक 25 तक था वो तब तक तो वो क्या कर पा रहा था, प्रॉपर अकोमोडेशन कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही 25 से लेस हुई इसकी पोजीशन वैसे ही आई लेंस ने अकोमोडेशन करना बंद कर दिया, आई लेंस ने अकोमोडेशन करना बंद कर दिया। तो 25 के बाद जब ऑब्जेक्ट पास जाते हैं यानी 25 से लेस डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो आई लेंस अकोमोडेशन नहीं करता है, समझ में आ रहा है। ये कहां तक अकोमोडेशन करता है, यहां तक अकोमोडेशन करता है, समझ में आ रहा है। अकोमोडेशन पावर इसकी यहां से, क्योंकि और ज्यादा पावर चाहिए, और ज्यादा पावर, क्योंकि देखो जितना पास ऑब्जेक्ट को ले जाओगे उतनी ज्यादा डाइवर्स होके जाएंगी लाइट रेस, उनको उतना ही ज्यादा कन्वर्ट करना पड़ेगा और उतनी ज्यादा पावर चाहिएगी, तो उतनी पावर यहां पर अकोमोडेशन नहीं हो पाती, समझ में आई। यहां पर इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता कि हम उसकी फोकल लेंथ को और कम कर दें, इतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि हम उसकी फोकल लेंथ को और कम कर दें। कितना और थिक कर दोगे भाई बीच में से, एक सर्टेन लिमिट तक ही तो कर दोगे, तो वो सर्टेन लिमिट क्या है, ये समझ में आया। इसीलिए हम इससे आगे तक जाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स क्या नहीं दिख पाते, क्लियर नहीं दिख पाते, समझ में आया, क्योंकि अप टू सर्टेन लिमिट्स अकोमोडेशन पॉसिबल है, उन सर्टेन लिमिट्स के बाद क्या नहीं होता, अकोमोडेशन नहीं हो पाता, क्योंकि फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता और पावर इंक्रीज नहीं हो पाती, तो ये इमेज प्रॉपर रेटिना पर नहीं बन पाती, रेटिना पर नहीं बनती, रेटिना के आसपास कहीं बन जाती है, तो उसके कुछ सेंसेशन रेटिना पर पहुंच रहे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि समथिंग इज देयर, ब्लर ब्लर दिख रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर नहीं दिख पा रहा क्योंकि वो प्रॉपर रेटिना पर बनाई, समझ में आया, क्लियर हुआ। रेटिना से बाहर बन जाएगा क्योंकि इतनी तो पावर ही नहीं है कि वो कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि डाइवर्स होके तो जा रही थी, वो जितना कर सकता था उतने करा लेकिन उसने रेटिना पर नहीं कर पाया, समवॉट यहाँ पे कन्वर्ट बाहर कन्वर्ट कर दिया, तो उसके कुछ सेंसेशन रेटिना पर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, प्रॉपर इमेज नहीं दिख रही है। आ गया समझ में कैसे इसकी बात है, समझ में आई, समझ में आया, तो ठीक है भाई, इतना ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, आ गया कि नहीं, बोलो आगे।